हेलो, कहाँ पे? जेएम रोड। जेएम जेएम रोड। ओके, आपका किसे मेट्रो में आप फ्रिक्वेंटली विजिट करती हैं? कैसे? तो आप पहली बार? आप भी पहली बार? पहली बार बैठे हैं आप? पहली बार? पहली बार तो जहां आप उतरोगे यहाँ पे उतरना है। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, एक अलग तरह का वीडियो, ये वीलॉग है। आज आपको सफर कराएंगे मेट्रो का, पुणे मेट्रो का। अभी हम लोग खराड़ी लोकेशन में है और आज हमने डिसाइड किया है कि सौदा घर की पूरी टीम के साथ आज हम सफर करेंगे मेट्रो का। पर बात आती है खराड़ी से कैसे, तो यहाँ से बाइक के जरिए और ऑटो के जरिए कोशिश रहेगी या फिर किसी और माध्यम से हम लोग पहुँचेंगे सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो फंक्शनल है। अभी के केस में वो रूबी हॉल क्लिनिक है और फिर वहाँ से चलेंगे हम लोग वनाज तक और देखेंगे आखिर समय कितना लग रहा है और वहीं अगर बाइक से जो हमारे साथी लोग चलेंगे उनको कितना समय लग रहा है और तमाम फैक्ट्स भी इसमें जानेंगे। वीडियो थोड़ा अलग से है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ अपने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए आगे चलते हैं। सन्नी, कैसे चलना है? बाइक से चलेंगे भाई। हम लोग कैसे जाएंगे दोनों? तू तो बाइक, आप लोग देखिए, मेरे को तो बाइक से जाना है। रिक्शे से जाते, बुला ना फिर। अरे पागल है सर, ऑनलाइन है सर। ऑनलाइन को चालक की आता मी आलो की घेऊन जातो मी तुम्हाला। तो साथियों, नगर रोड से हम लोग अभी चल रहे हैं आगे और जब हमने सफर की शुरुआत की थी तो 2:20 हुए थे, अभी 2:45 हो चुके हैं और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां से आपका पुणे ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जो आपका वनाज टू रामवाड़ी का है। तो यहां जो आप स्टेशन आगे देख पा रहे हैं, अभी देखेंगे, ये रामवाड़ी का स्टेशन है और नगर रोड पे सुबह और शाम क्या हालत रहती है आपको पता है। पहले एक बार आप लोग देख लीजिए रामवाड़ी का ये स्टेशन। ये आपका एक तो हो गया रामवाड़ी, कल्याणी नगर, येरवड़ा और उसके आगे आपका बंद गार्डन। ये तीन मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जो अभी फंक्शनल नहीं है। उसके आगे अगर आप देखें रूबी हॉल, फिर आपका पुणे रेलवे स्टेशन, फिर मंगलवार पेट, ये सारा का सारा जो है फंक्शनल है। तो जो नियरेस्ट, जैसे हमने कहा था कि आपको ले चलेंगे रूबी हॉल क्लिनिक, तो वहाँ चल रहे हैं। और एक फैक्ट आपको यहाँ बताते चलें कि यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन का गैप है, जैसे अभी आप यहाँ रामवाड़ी से कल्याणी नगर का देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा है, बाकी उधर अगर आप देखें जो आपका रूबी हॉल क्लिनिक है वहाँ से जब आप आगे का देखेंगे, चाहे वो पुणे रेलवे स्टेशन हो या फिर वहाँ से मंगलवार पेट हो या वहाँ से पीएमसी का हो, तो इनके बीच का गैप काफ़ी कम है। यानी कि कई मेट्रो स्टेशन तो 500-600 मीटर के डिस्टेंस पे है, एवरेज 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये स्टेशन की दूरियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं रामवाड़ी से कल्याणी नगर का। नगर रोड से हम लोग क्रॉस करते हुए आगे आगा खां पैलेस को क्रॉस करेंगे। इसके बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है कि ये जो बिल्डिंग है आपकी आगा खां पैलेस, ये कहीं ना कहीं ताजमहल से ज़्यादा वैल्यू रखती है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप नीचे दिए हुए वीडियो लिंक के जरिए समझ सकते हैं। चलिए साथियों, आगे आते हुए जो है हम लोग गुंजन चौक पे आ चुके हैं। यहाँ के बारे में आप समझे तो राइट साइड में अभी आप जो देख पा रहे हैं ये गुंजन टॉकीज हुआ करता था और इसी के नाम पे इस चौक का नाम गुंजन चौक रखा गया है। और अब आप हम लोग जो है पहुंच चुके हैं येरवड़ा मेट्रो स्टेशन के पास। यहाँ पे जो स्टेशन पे ऊपर जाने के लिए रास्ते बनाए जा रहे थे उसको लेके काफी विवाद चल रहा था कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है ज्यादा लगेगी क्योंकि रोड से ज्यादा लग के है। वो आप अभी लेफ्ट साइड में देख सकते हैं उस चीज को कि यहाँ पे सामने देखिए ये जो है यात्रियों के आने जाने के लिए ये बनाया गया है फुट ओवर ब्रिज। तो ये मेट्रो स्टेशन येरवड़ा का और यहाँ से इसको लेके भी बात चल रहा था कि ये डिवाइडर से जो इसके बीच का डिस्टेंस है ये नज़दीक इसे शिफ्ट किया जाए। बाद में इसे सेटलमेंट किया गया और अब जाके देखिए येरवड़ा स्टेशन का ये बन के तैयार है। ऑलरेडी जो है यहाँ पे ट्रायल भी हो चुके हैं और अब ट्रायल के बाद अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये आने वाले चंद महीनों में जो है यहाँ पे भी मेट्रो जो है वो फंक्शनल हो जाएगा।
अभी ये देखिए यहाँ पे आपको जो है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम चालू है, जो कि बंद गार्डन से यानी कि यहाँ से लेके मुंडवा के सर्कल तक जो है आपको ये काम दिखेगा, और आने वाले एक साल में इसका टारगेट है कि इसे बना के कंप्लीट कर दिया जाए। ये सामने जो आपको अभी स्टेशन दिख रहा है ये बंद गार्डन स्टेशन है, और जैसा मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि एक ही पिलर पे ये बैलेंस करके देखिए जो मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं, कुछ अलग पिलर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, जिससे कि ट्रैफिक के लिए रोड के लिए ज्यादा स्पेस ज्यादा विड्थ मिल पाई है। तो साथियों फाइनली जो है करते कराते जो है अब हम लोग आ चुके हैं रूबी हॉल क्लिनिक तक, ये अगला स्टेशन आ चुका है, और 3 बज चुके हैं यानी कि हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में 35 से 40 मिनट लग गए खराड़ी से। तो ये एक जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर शटल सर्विसेज और मेट्रो का एक्सटेंशन दिया जाए यानी कि जो नगर रोड पे रामवाड़ी तक है उसे एटलीस्ट अभी तुरंत के तुरंत विमान नगर और खराड़ी तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी जनता है जो पुणे वेस्ट की तरफ सफ़र करेगी, और कहीं ना कहीं उससे जो है लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, जो हमने पीछे डेटा दिखाए थे आपको कि किस तरीके से सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो मेट्रो में सफ़र करने वाले हैं उनकी संख्या कम हुई थी नीचे आई थी। तो अगर इन लाइन को और एक्सटेंड किया जाएगा तो लोग सफ़र करने वाले बढ़ेंगे, शटल सर्विसेज भी बढ़ेंगे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, तो चलिए मेट्रो सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आखिर बाइक आगे या मेट्रो आगे। तो भाई सन्नी यहाँ सीधी सी बात है, ये समझो कि यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे जब हमें मेट्रो मिल जाएगा आपको फोन पे बोलेंगे, उसके बाद क्यों भाई? अगली ट्रेन जो आएगी वो 5 मिनट और उसके बाद 15 मिनट के बाद आएगी जो वनास तक जाएगी। सामने आप देख सकते हैं वनास तक अगली स्टेशन अगला जो ट्रेन है वो 5 मिनट बाद यानी अभी 3:30 होने वाले हैं और 3:35 तक आ जाएगी यानी फ्रीक्वेंसी जो है 10-10 मिनट के बाद जो है ट्रेन रखी गई है। देखिए साथियों इसका नाम रूबी हॉल क्लिनिक क्यों पड़ा सभी को पता है, बगल में रूबी हॉल क्लिनिक है और काफ़ी लंबे समय से इसके चलते जो है इस स्टेशन का नाम भी रूबी हॉल क्लिनिक रख दिया गया है। काफ़ी साफ सुथरा काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया गया है, और जैसे जैसे आगे कनेक्टिविटी बढ़ेगी ये कहीं ना कहीं एक सुविधाजनक जो है आपका ट्रेवल होने वाला है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं वरीयता देनी चाहिए। अब बात ये हो गई कि 3 मिनट और बचे हैं मेट्रो आने में, तो नीचे जो है जो लोग खड़े हैं टीम से उनको भी इत्तला किया जाएगा कि आप लोग साथ में ही जो है जर्नी की शुरुआत करिए और देखेंगे फिर कि कौन कितने जल्दी पहुंचते हैं। बाकी यहां आके फील गुड फैक्टर जरूर है। प्रतीक निकल गए सर हम कॉल, हाँ हाँ ये भी निकल चुकी है, मेट्रो निकल चुकी है, कॉल ऑन रहने दो। हाँ हाँ प्रतीक, पुणे पुणे रेलवे स्टेशन, हम भी आपके नीचे। क्या बात कर रहा है, क्रॉस कर गया तू?
मैं नीचे हूँ। अरे वाह, तो साथ पे ही आए। अब अगले स्टेशन पे देखते हैं, मंगलवार पेट बगल में ही है। यस। किधर? मंगलवार पेट। अभी मंगलवार पेट के थोड़ा पहले पहले। अरे अभी एक दिन नीचे हम मंगलवार पेट के। अभी नीचे नहीं पहुंचे अपन, पहुंचने वाले। हम लोग पहुंच गए। ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर नीचे। रूबी हॉल क्लिनिक, पुणे रेलवे स्टेशन और मंगलवार पेट तीसरा स्टेशन क्रॉस हो चुका, चौथे की तरफ बढ़ेंगे, है ना? बाहर चल ले फुटेज। हेलो। हेलो। हाँ, नदी क्रॉस कर गए अपन लोग। हम अभी ब्रिज पे। पौने छह मिनट हो चुके हैं, फाइव छह मिनट होने वाले हैं चालू, सफर चालू किए, और सिविल कोर्ट पे हम लोग अभी। सिविल कोर्ट के बाद पीएमसी, छत्रपति संभाजी उद्यान, आप लोग रेगुलर आते हैं मेट्रो से ही? आ चेक के लिए ऐसे तो बस से जाना चाहिए। अच्छा चलो। हाँ, ये अच्छा है, सफर भी आसान है। हाँ भाई, किधर पहुंचे हो? हम लोग पीएमसी पहुंच चुके हैं, क्रॉस कर दिए। ओके, डन, चालू रहने दो फोन। इसी फोन के टाइम से भी पता चल रहा अपना सफर कितना है, 8 मिनट 10 सेकंड हुए हैं। चालू रखो और लोगों से बात करते हैं। आप जो है, आपसे बात किया जाए ना थोड़ा। करो ना। तो आप कितनी बार बैठे अभी मेट्रो में? जब मोदी आके गए उस दूसरे दिन हम बैठे थे। मोदी के साथ ही निकल गए आप? दूसरा दिन। अच्छा, दूसरे दिन गाड़ी के हारे में नहीं निकला था, अभी बैठे थे। तब से रेगुलर बैठते हो आप? नहीं नहीं, एक बार, दूसरी बार अभी थी। तो रेगुलर क्यों नहीं आते आप? सर्विस में काम पे है ना। अच्छा, तो जब कुछ लगता होगा कि इधर आना है तो मेट्रो ले लेते हैं। मेट्रो से आते हैं। अभी दिक्कत क्या लगती है, मान लीजिए आप बाइक से आते हो, पार्किंग है? पार्किंग को जगह नहीं मिलता किधर लगाने को ना, यही टेंशन है। हाँ, इसके लिए। अगर पार्किंग इम्प्रूव हो जाए तो ज्यादा लोग आएंगे। ज्यादा लोग आएंगे। बाइक खड़ी किया, फटाक से आ गए। कहाँ पे? जेएम रोड। जेएम रोड। ओके, हम लोग छत्रपति संभाजी उद्यान। चलो बढ़ते चलो। फर्स्ट टाइम भाई, इनसे मिलवाओ, ये मेरे जैसे हैं, फर्स्ट टाइम वाले। ये बताओ आप, जहाँ आप भी फर्स्ट टाइम, तो जहाँ आप उतरोगे उतरना तब फिर खड़े हो जाओ आप। तो वहाँ से कितनी दूर जाना फिर आपको? अच्छा, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है फिर तो अच्छा है आपके लिए। जिनको दूर से आना होता होगा उनको दिक्कत होती होगी। तो आप पहली बार? आप भी पहली बार? तो आज जस्ट देखने के लिए कैसा मेट्रो? तो ये लोग ज़्यादा हैं जो देख रहे हैं कि आखिर मेट्रो का सफ़र पुणे में कैसा है। कमाल है, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
हेलो पहुंचे किधर? अभी सह्याद्री हॉस्पिटल तो क्रॉस कर दिए। अपन लोग गरवारे कॉलेज पहुंच चुके हैं, अभी निकलेंगे इधर से। नल स्टॉप आइडियल कॉलोनी लगेगा 5-10 मिनट और। आप एक एक्सपीरियंस, मतलब पहली बार बैठे हैं आप? पहली बार अभी गांव से आप सर पहली बार? दो लोगों से अपन लोग मिले, वो पहली बार, इधर पहली बार। क्या बात है, क्या आपका नाम क्या है? पवार साहब हैं, इनकी सरकार अभी नहीं है। आप सर, आपका सर नाम? मिलिंद कदम। मिलिंद कदम, मिलिंद कदम जी, आप पहली बार, कैसा अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है, एसी है। एसी, एसी, ये बड़ी चीज। तो ये अभी जहाँ आप उतरोगे वहाँ से आपका जहाँ जाना है, घर जा रहे हैं आप या किसी काम से कहीं जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं। तो वो कितनी दूर होगा? एक घंटा लगता है। ये एक समस्या है ना। शटल सर्विसेज तुरंत मिल जाती है जैसे कुछ ऑटो वगैरह? अभी हमारे इधर ही। अच्छा, मतलब आपका नज़दीक है, आपका नज़दीक, पर आपके लिए होगा ऑटो वगैरह लेना पड़ेगा, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, शटल सर्विसेज बढ़ेंगे तो नहीं मिलते हैं। और ऑटो एक्सपेंसिव भी है ना। अभी हम लोग खराड़ी से रूबी हॉल क्लिनिक आए, 250 रुपये लगा। अब इधर 25 लगेगा, रूबी हॉल से वनास तक 25 रुपये, लेकिन उसके पहले 10 गुना दे दिया हमने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। किधर पहुंचे बंधु? हेलो, कहाँ पे? नल स्टॉप। नल स्टॉप यार, बराबर एकदम, मैं भी नल स्टॉप पहुंच चुका हूँ। जस्ट अभी मेट्रो पहुंची इधर। चलो ग्रेट, निकलो निकलो आप। और सब दिखाइए, इन्होंने आज ही जो है आईडी निकाला ये। अच्छा, ये कार्ड निकाला आपने, तो इस पे कुछ अभी ऐसा दे रहे हैं महीने तक का कुछ नहीं या फिर कुछ पता? अभी आज ही निकला है। इस पे कुछ डिस्काउंट बताया इन्होंने? नहीं, इस पे जैसे अभी अपन ने टिकट लिया, नहीं वो समझा, ये दिल्ली में है, मेरे पास कार्ड भी, दिल्ली सफर किया मैंने, पर मैं ये पूछ रहा हूँ इन्होंने कुछ डिस्काउंट बोला है क्या इस पे? 10% है। तो ये जैसे दिल्ली मेट्रो में है कि आपको कार्ड मिल जाता है, रुपे कार्ड, बड़ी अच्छी बात ये है कि इंडियन इनिशिएटिव है, और यहाँ पे 10% यानी जो हमने 25 रुपये दिया है, अगर आप रेगुलर फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं तो आपको ये कार्ड बनवाने चाहिए जिससे 10% का डिस्काउंट आपको मिले। बहुत अच्छी बात, ये अच्छा बताया आपने। आपका कैसे मेट्रो में आप फ्रिक्वेंटली विजिट करती हैं कैसे? अच्छा, ओके, सो आई कैन ट्रैवल वेरी इजीली एंड वेरी कन्वीनिएंटली ऑन द। आप रेगुलर आती हैं? हां रेगुलर। आप जहां से मेट्रो पकड़ती होंगी, कहां से पकड़ती हैं? वनास से। और कहां तक? एसएनडीटी का जो नर्स स्टॉप है। तो आपके लिए कैसे मेट्रो स्टेशन दूर है आपके जहाँ रेजिडेंट है आपका, या फिर पास में ही है? नहीं, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं है, ऑटो से मैं आती हूँ तो थोड़ा सा। उसका कितना किराया लगता होगा और कितना टाइम? उधर से तो 15 मिनट लगते हैं और 50 रुपये तो हो ही जाते हैं उधर से आने के लिए। हाँ, तो वो एक थोड़ा सा एक टफ पार्ट होगा कि डेली उतना एक्सपेंस आपको करना पड़ता है। हाँ, उतना करना पड़ता है, बट मैं को इजी पड़ता है ये वाला, जो भी मैं ट्रैवल करती हूँ। एक्सपीरियंस आपका मेट्रो के साथ अच्छा है? हाँ, अच्छा है। आपको क्या लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि मेट्रो में इम्प्रूव होना चाहिए? इम्प्रूव होना चाहिए कि थोड़ा फास्ट होना चाहिए थोड़ा। अच्छा, और हाँ, ये एक अच्छी चीज इन्होंने बताई कि जो फ्रिक्वेंसी है प्लस जो इसकी स्पीड है इसको लेके, हाँ ये थोड़ा फास्ट होना चाहिए, और जो लोग ट्रैवल करते हैं दूर तो उनको थोड़ा और जल्दी जा पाएंगे, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़े और स्पीड बढ़े। आपका नाम मैम? मेरा नाम साक्षी। चलिए साक्षी, थैंक यू सो मच, थैंक्स। काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि एक तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, दूसरा या फिर टाइम इसको जो है और फास्ट कर दिया इसकी स्पीड को, और जहाँ से इनका, जैसे इनके केस में क्या है कि इनको 5 मिनट लगता है कि ऑटो वगैरह इन्होंने पकड़ लिया, पर काफ़ी लोगों का ये मानना, जैसे हमने बात की, वो पहली बार बैठे, वो चेक, वो देख रहे हैं कि आखिर मेट्रो है कैसा। तो कहीं ना कहीं जब शटल सर्विसेज बढ़ेंगी और इसके रूट को और बढ़ाया जाएगा तो लोगों के लिए ज़्यादा ईजी होगा कि मेट्रो का सफ़र किया जाए। बहरहाल, अभी जैसे ही रामवाड़ी तक का ये मेट्रो चालू होगा उससे ही आपको फ़र्क देखना जो है चालू हो जाएगा। बहरहाल, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आखिरी स्टेशन तक, तो चलिए उतरते हैं यहाँ से, और इसके बाद जो है मेट्रो निकल जाती है कार डेपो तक।
उसका वीडियो हमने जो है मेट्रो सीरीज में आपको दिखाया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, उसे आई बटन पे भी लगाएंगे और उसका लिंक भी आपको शेयर करेंगे। कहाँ पहुंचे भाई आप लोग? वनज पहुंच के 5 मिनट हो गए, पहुंच के 5 मिनट। ये लोग तो पहुंच चुके हैं 5 मिनट पहले ही, आ जाओ। मेट्रो से उतरे लगभग 1 मिनट हो चुका होगा और 25 मिनट लगे हैं। ये जो कॉल आपको दिखाते हैं कॉल लॉग, ये 26 मिनट इसमें दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ पे ये 26 मिनट। तो हमें 25 मिनट का सफ़र लगा है रूबी हॉल क्लिनिक से यहाँ तक वनास तक। चलिए आगे के एक बार समझ लेते चीज़ों को। देखिए यहाँ पे डबल लेयर है, यहाँ पे मेट्रो को हाइट पे ले जाया गया है, तो आने वाले समय पे यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर इसके आगे कार डेपो है, मान लीजिए यहाँ से मेट्रो को एक्सटेंड किया जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पे स्पेस रखा गया है। कल को मान लीजिए ट्रैफिक बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, तो उसके लिए एक्सटेंशन का भी प्रोविजन आप इसे मान के चल सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे मेट्रो के हाइट को बढ़ाया गया। आप देखें जहाँ पे लोग उतर रहे हैं वो ऊपर है और बीच में ये एक आपको स्पेस क्रिएट किया गया है, इसके नीचे आपको जो है रोड मिल जाता है नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो साथियों अभी पहुंच चुके हैं वनज में, जैसे आपको बताया नीचे आ चुके हैं अब, और हमें आने में टोटल 25 मिनट लगे। तो ये जो विनर है ये है सन्नी और प्रतीक, ये लोग बाइक से, और ये दोपहर का समय था यानी हम लोग निकले ही थे जैसे आपको बताया, 3 बजे के आसपास निकले थे और 3:45 बजे के आसपास जो है पूरा सफ़र रहा, 40-45 मिनट जो हम लोग नीचे रूबी हॉल पे रुके यहाँ तक पहुँचे। तो यानी कि 25 मिनट हमें लगा मेट्रो से 25 से 26 मिनट के अंदर पहुँचे, और ये लोग 21 से 22 मिनट में ये लोग पहुंचे, यानी 5 मिनट का डिफरेंस है। वो भी क्यों है ये भी बता दें आप लोगों को, क्योंकि दोपहर का समय है। अब जैसे ही 5 बजे के बाद आप निकलेंगे या फिर मॉर्निंग टाइम यानी कि जो ऑफिस का टाइम है, रश टाइम है, उस समय मुझे लगता है कि मेट्रो जो है वो विनर रहेगी। दोपहर का समय था तो विनर ये लोग रहे हैं भाई, कुछ सरताज वरताज इनके सर पे, लाओ लाओ लाओ, फिर भी 5 से 7 मिनट का ये पहना दो भाई इनको, कुछ तो है सामने। अभी आपको जो है हम चाय भी पिलाएंगे, अभी आप इसको पहनिए, ताली बजाओ तालियां। तो ये जीते हैं। पर देखिए सबसे बड़ी बात है, हमने मेट्रो में लोगों से बात की, आप लोगों ने भी सुना, ज्यादातर लोग जो है सेटिस्फाइड दिखे। कई लोग कहेंगे एसी है, उसमें ज्यादातर लोग जो जिनसे भी हम लोग मिले वो पहली बार सफर कर रहे थे, यानी कि अभी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि पुणे के मेट्रो का सफ़र क्या है। आने वाले समय पे जैसे और नए नए मेट्रो स्टेशन पे फंक्शन चालू होंगे और भी इसका एक्सटेंशन होगा, लोगों के लिए इजी होगा, शटल सर्विसेज चालू किए जाएं, और कहीं ना कहीं बाइक की पार्किंग तो देनी जरूरी है हर एक स्टेशन पे, कहीं 100 कहीं 50 जैसा भी हो, उसका प्रोविजन जो आपकी कॉरपोरेशन है या फिर जो आपकी राज्य सरकारें हैं उनको, महामेट्रो को, ये सब मिल के कहीं ना कहीं करना होगा कि अगर आपने पार्किंग दिया तो हर एक इंसान, खासकर जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो मेट्रो पे अपना गाड़ी पार्क कर पाएंगे और पार्क करने के बाद वहाँ से सफ़र उनके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी के समय पे क्या होता है, लोग ऑटो से जा रहे हैं या अलग ओला उबर से जा रहे हैं, उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। शटल सर्विसेज होंगी तो शेयर में पैसा जो है लोगों को दिया जाएगा। जैसे भी चाचा हैं, चाचा आपका नाम? उंद्रे। उंद्रे जी हैं, उंद्रे जी एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मेट्रो तक कोई आता है तो आप लोग बीच में भी एक दो लोगों को बिठाते हैं या अकेला एकता सवारी लेके आते हैं? जैसा मिले, हाँ वैसा। पर अभी ऐसा नहीं चलता कि जैसे एक जन को बिठा लिया फिर रास्ते में बिठा लिया, शटल सर्विसेज जैसा ऐसा अभी तो नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे लोग भी बीच बीच में बैठेंगे तो उसमें आपका भी फायदा होगा, क्योंकि वो पैसा बट जाएगा। अभी एक इंसान मान लीजिए इनको 2 किलोमीटर से आ रहा है तो 40-50 रुपए खर्चेगा इनके ऊपर, अगर 3 लोग बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है 60 रुपए आपको मिल गया, लेकिन जो 3 लोग बैठेंगे वो 20-20 रुपए ही खर्च करेंगे। तो इस तरह से अगर शटल सर्विसेज चलेंगी और इसका एक्सपेंशन होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी फायदेमंद होगा और जो लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए भी काफी फायदेमंद ये साबित होगा। तो उम्मीद यही करते हैं साथियों, अभी साईं बाबा के मंदिर पे पहुंच चुके हैं और इनका ही आशीर्वाद लेके एक तरीके से पहले तो जूता उतार ही लेते हैं, यहाँ घंटी बजाते हैं। आप भी सब्सक्राइब करके बगल में घंटी उसे बजाइए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको प्रयास पसंद आया है तो लाइक शेयर भी करिए और बाकी लोगों तक शेयर कर दीजिए। अपना कोई भी सुझाव है तो हमें जरूर भेजें। नमस्कार।